हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे प्लांट्स के नेम बताऊंगी जो कि गर्मियों में पूरा दिन की धूप में आपको ढेरों फूल दे सकते हैं, और वो भी बिल्कुल कम केयर में। तो फर्स्ट आप मेरे सामने देख रहे हो गुलाब, और गुलाब की बहुत सारी वैरायटी होती हैं जो कि सर्दी में भी फूल देते हैं और गर्मियों में भी फूल देते हैं। और गुलाब जो होते हैं परमानेंट प्लांट हैं। गुलाब आपको मिनिमम 60 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 200 तक मिलते हैं, क्योंकि इनकी बहुत सारी वैरायटी और कलर अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है चंपा, नागचंपा, प्लूमेरिया, बहुत सारे नामों से जाना जाता है और काफ़ी हार्डी प्लांट है। पूरा दिन की धूप में आप इसको रख सकते हो, और चंपा आपको 80 रुपीज़ का मिलता है। अगर आप इसमें दूसरी वैरायटी ले रहे हो हाइब्रिड, वैसे हाइब्रिड देसी वैरायटी इसका कुछ नहीं होता है, यही वैरायटी होती है इसकी, और काफ़ी बड़ा साइज का ये प्लांट हो जाता है। 60 से 80 रुपीज़ का ही नर्सरी में आपको मिल जाएगा। पूरा दिन की धूप में रखिए, गुच्छों में फूल आते हैं और कटिंग से बहुत ईजी ये प्लांट तैयार होता है। इसके लिए बस पॉट आपको बड़े साइज का चाहिए होगा, क्योंकि ये प्लांट जो है काफ़ी बड़ी प्लांट की शेप ले लेता है। मिनिमम आप 10 से 12 इंच का पॉट इसके लिए रख सकते हो। सो नेक्स्ट है मधुकामिनी। मधुकामिनी जो प्लांट होता है इसके भी बहुत सारे वैरायटी होती हैं, मिनी कामिनी, मधुकामिनी, और इसके फूलों में से बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। ये प्लांट भी आपको 100 का नर्सरी में मिल जाता है। इसे आप कटिंग से अपने घर पर भी तैयार कर सकते हो। वो काफ़ी हार्डी प्लांट है, सर्दियों हो या गर्मी हो कभी इसके पत्ते नहीं झड़ते हैं और ना ही पीले होते हैं। और इस प्लांट की खास बात है कि ये कभी ख़राब नहीं होता, चाहे आप इसे धूप में रखिए, छाया में रखिए, कहीं पर रखिए। नेक्स्ट है चांदनी। चांदनी भी काफ़ी हार्डी प्लांट होता है, पूरा दिन की धूप में आप इसको रख सकते हो। गुच्छों में फूल देता है और 40 से 50 रुपीज़ का ही आपको मिल जाता है। चांदनी जो प्लांट होते हैं इनकी भी 2-3 वैरायटी होती हैं, सिंगल पेटल में होते हैं, डबल पेटल में होते हैं। कटिंग से आप इनको इजी तैयार कर सकते हो। ये वाला जो प्लांट आप देख रहे हो ये डबल पेटल वाला चांदनी है, इसके फूलों में से भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो चांदनी प्लांट के लिए भी आप मिनिमम 10 से 12 इंच का ही पॉट रखिए, क्योंकि इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है। और इन प्लांट को आप घना करने के लिए इनकी प्रूनिंग करते रहिए, जैसे एक बार फूल आने के बाद ऊपर के टिप से हल्की हल्की प्रूनिंग कर दीजिए। नेक्स्ट है हमारा टिकोमा। टिकोमा की भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं। ये येल्लो टिकोमा है और ये ऑरेंज कलर का टिकोमा है। इसमें आपको वाइन भी मिलती हैं। पूरा दिन की धूप में रखा जाने वाला प्लांट, गुच्छों में फूल देने वाला प्लांट है, और टिकोमा आपको 150 का नर्सरी में मिल जाता है। फूल आने के बाद इस पर इस तरीके की फलियां बनती है जो कि इनका बीज होता है। आप इस बीज को सुखा कर छाया में पका कर इससे अपने घर पर जिस टाइम पर बरसात होती है इसके न्यू प्लांट तैयार कर सकते हो। इसके अलावा आप इसे कटिंग से भी तैयार कर सकते हो। टिकोमा जो होते हैं इन्हें पूरा दिन की धूप में आप रख सकते हो, और ये छोटी ही हाइट इनकी छोटी होती है, लेकिन काफ़ी घना प्लांट हो जाता है। नेक्स्ट है बुगनवेलिया। बुगनवेलिया की भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं, कलर काफ़ी अलग डिफरेंट आपको नर्सरी में मिल जाते हैं। और बुगनवेलिया आपको 80 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 200 तक मिलते हैं, क्योंकि बुगनवेलिया जो होते हैं इनकी हाइब्रिड वैरायटी भी होती हैं और देसी वैरायटी भी होती हैं। बुगनवेलिया को आप पूरा दिन की धूप में रखिए, पानी कम डालिए, एक दिन छोड़ के 2 दिन के तब पानी डालिए बुगनवेलिया में, क्योंकि ये जिस जगह पर सूखापन होता है वहाँ पर ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। नेक्स्ट है हमारा आलमंडा। आलमंडा के फूलों का साइज काफ़ी बड़ा होता है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। आलमंडा की भी कई सारी वैरायटी होती है, इनमें वाइन भी होती हैं। आलमंडा जो प्लांट होता है ये आपको 150 का नर्सरी में मिल जाएगा, और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हो कितनी अच्छी हो रखी है, और ये काफ़ी बड़ा प्लांट शेप ले लेता है। तो आप इसे भी थोड़े बड़े पॉट में लगाइए, मिनिमम 10 से 12 इंच का पॉट इसके लिए ज़रूर चाहिए होगा। कटिंग से भी ये इजी तैयार प्लांट हो जाता है, और इसमें आपको 20 दिन में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर डालना है। उसके लिए आप जैसे कि वर्मी कंपोस्ट ले लिया, और उसमें 2-4 दाने आपको DAP के डाल लेने हैं। इन दोनों खाद को पानी में घोल के इस प्लांट की जड़ों में डाल दीजिए। यकीन मानिए आपका प्लांट इतनी अच्छी ग्रोथ
करेगा और ढेरों फूल आपको देगा। इसकी कटिंग अगर आप ग्रो कर रहे हो तो उसको पानी में रख दीजिए, 1 वीक तक पानी में रखिए। उसके बाद आपको लगेंगे छोटी छोटी जड़ें निकल आई हैं तो आप मिट्टी में लगा सकते हो। सो नेक्स्ट प्लांट है हमारा ओलियंडर, कनेर भी बोलते हैं। कनेर की भी कई सारी वैरायटी होती हैं, फूलों के कलर इसमें आपको अलग अलग मिल जाते हैं। इसमें ज़्यादातर आपको येलो, पिंक और वाइट, ये 3 कलर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कनेर काफ़ी हार्डी प्लांट होता है, गुच्छों में फूल देता है और पूरा दिन की धूप में आप इसको रख सकते हो। टेरिस गार्डन के लिए तो बेस्ट प्लांट है। इस प्लांट पर ही इसकी फलियाँ बनती हैं जो कि इसका बीज होता है, तो उस बीज से आप इसे अपने घर पर बहुत ईजी तैयार कर सकते हो। और इसके अलावा आप इसे कटिंग से भी बहुत ही ईजी तैयार कर सकते हो। कनेर में भी आपको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, बस वही 15 दिन में 20 दिन में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहिए, उसी से इस प्लांट पर ढेरों फ्लावरिंग होती रहती हैं। कनेर जो होता है इसकी पत्तियों के अंदर से वाइट कलर के दूध से टाइप का निकलता है, उससे आपको बच के रहना है। नेक्स्ट है हमारा रात की रानी या फिर नाइट जैस्मिन भी इसको बोलते हैं प्लांट को। रात की रानी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके फूल जो होते हैं ये रात में ही खिलते हैं और सुबह होते ही ज़मीन पर सारे गिर जाते हैं। ये प्लांट आपको नर्सरी में 40 रुपीज़ का मिल जाता है। इसके अलावा इसी प्लांट के ऊपर इसके काले रंग के बीज बनते हैं मटर के दाने की तरह, वो बीज इसका कहीं पर भी गिरता रहता है तो खुद से ही इसके न्यू प्लांट तैयार होते रहते हैं। इसे पूरा दिन की धूप में रखिए, काफ़ी हार्डी प्लांट है और सालों साल आपके पास रहेगा अगर कहीं से आपको एक बार इसका बीज मिल गया तो। नेक्स्ट है हमारा कॉस्मोस। कॉस्मोस भी काफ़ी हार्डी प्लांट होता है लेकिन सिर्फ गर्मियों में ही फूल देता है, ये प्लांट सर्दियों में फूल नहीं देता है। नर्सरी से आपको 20 से 30 रुपीज़ का मिल जाएगा, लेकिन अगर आप नर्सरी से नहीं लाना चाहते हो तो इसके सूखे हुए फूलों से भी आप इसको ग्रो कर सकते हो, कटिंग से भी आप इसको ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा श्रिम्प प्लांट। श्रिम्प प्लांट के फूल आप देख सकते हो बहुत सुंदर लगते हैं देखने में और परमानेंट प्लांट है। बाकी के प्लांट हमारे सर्दियों में डोरमेंसी होता है, सूख जाते हैं, लेकिन ये परमानेंट प्लांट है, ना सर्दी में सूखता है ना ही गर्मी में सूखता है। कटिंग से भी तैयार कर सकते हो, बीजों से भी तैयार कर सकते हो, पूरा दिन की धूप में रखिए, बिल्कुल इसका कुछ नहीं बिगड़ता है और नर्सरी में ओनली आपको 60 रुपीज़ का ये प्लांट मिल जाएगा। इसकी कटिंग को भी आप 1 वीक तक पानी में रखिए, उसके बाद आपको लगेगा कि छोटी छोटी जड़ें उनमें से निकल आई हैं तो आप उसको मिट्टी में लगा सकते हो। श्रिम्प प्लांट जो है ये काफ़ी हार्डी प्लांट होता है और आप इसके लिए 8 से 9 इंच का पोट रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा हिबिस्कस। हिबिस्कस की बहुत सारी वैरायटी होती है, 60 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 150, 200, 300 तक ये प्लांट आपको मिलता है। हिबिस्कस भी एक परमानेंट प्लांट होते हैं जो कि सर्दी में भी फूल देते हैं और गर्मियों में भी फूल देते हैं। फरवरी के महीने में आपको इनकी हल्की हल्की प्रूनिंग कर देनी चाहिए ताकि गर्मी में ये वापिस से अच्छी ग्रोथ इनकी हो सके। इसके अलावा फ्रेंड्स हिबिस्कस पर मिलीबग्स का सबसे ज़्यादा अटैक होता है, उसके लिए आप इन पर नीम ऑयल का यूज़ कर सकते हो वीक में एक बार, तो आपका प्लांट सेफ रहेगा। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।